छात्रों, सागर में गागर, इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण से बहुत प्रेम करता है, उसकी गति को कोई नहीं समझ सकता। वो जैसे जैसे कृष्ण के प्यार में डूब जाता है, वैसे वैसे उसका हृदय निर्मल हो जाता है। दूसरे छंद में कवि बिहारी जी बहुत अच्छी बात और बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि लोग, जो लोभी लोग होते हैं, वो जन जन के सामने गिड़गिड़ाता है और हाथ फैलाता है। उसका लोभी चश्मा, उसे उस लोभी चश्मे से उसको हर कोई, छोटा व्यक्ति भी धनवान और बड़ा नजर आता है। अगले छंद में छात्रों, कवि ने कहा है, तीसरे छंद में बड़ी खूबसूरत बात कही है कि इंसान अगर धतूरा खाए तो वो व्यक्ति नशेमंद हो जाता है, नशा करने लगता है, उसको नशा होता है। वैसे सोना पाने से, धन पाने से इंसान घमंडी हो जाता है, मगरूर हो जाता है और वो अपने आप से दूर होने लगता है। चौथे छंद में और आखिरी छंद में, चौथे छंद में छात्रों, कवि कह रहे हैं कि जो गुणी व्यक्ति होता है, जो गुणों से रहित किसी व्यक्ति को अधि संसार, पूरा सारा संसार गुणी गुणी कहकर पुकारता है, मगर प्रकाश छात्रों सूर्य से होता है, अर्थात जिसमें गुण होते हैं वही गुणीकार कहलाकर सम्मानित किया जाता है। तो छात्रों, गुणीकार बनो। तब तक के लिए, अगले छंदों के लिए आज्ञा दीजिए।